नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स का जिन्होंने आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बढ़िया रैली दिखाई थी। तो पहला है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है डिश टीवी और तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में जो रैली आई है उसके पीछे की वजह क्या थी, और चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि इन स्टॉक्स के नए टारगेट्स क्या होने चाहिए स्टॉप लॉसेस के साथ। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद इंट्राडे के लिए कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। तो अगर दोस्तों मैं निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करूं, तो ओवरऑल जो पूरा इंडेक्स था वो 5% से ज़्यादा इसमें आज गेन देखने को मिले, और इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे इस गेन के वो थे पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो पीएनबी ने जहां एक टाइम 8 से 9% के आसपास राइज दिखा रहा था, यूनियन बैंक भी 5% से ज़्यादा अप था, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के और भी 5% से ज़्यादा था, कैनरा बैंक, इन सभी SBI, इन सभी PSU बैंक ने आज काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिसकी वजह से निफ्टी PSU बैंक का इंडेक्स आज काफ़ी भागा है। अगर मैं अदर न्यूज़ की बात करूं, तो IDBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट्स में जो इनके अदर पीयर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उनके कंपैरिजन में इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इन्होंने थोड़े से ज़्यादा दे रहे हैं। ये देखिए यूको बैंक 2.7% दे रहा है, अगर आप ये पूरी स्टडी देखेंगे तो ये कहीं 3 से 3.5% दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बेटर है आज की कंडीशन के हिसाब से। आइए अब हम PNB का चार्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं PNB का चार्ट देखूं, तो इसका ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज का आसपास का सपोर्ट लेता है, यहाँ पे एक बार लिया, फिर लिया दो बार, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हो सकता है फिर से ले ले। तो अगर इसको हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा आप 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो मेरा मानना है आपको करीब इसमें, यहाँ पे भी मैं लाइन देखूं तो करीब 33 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर आप इस स्टॉक में नई पोजिशन बनाना चाहते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तभी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के पास। तो आप इसे 38 के ऊपर खरीदिएगा, 33 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 44 रुपये जो रहेगा। क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन है? नहीं दोस्तों, बहुत बेहतरीन नहीं है। तो पर्सनली मैं तो ऐसे ट्रेड में शायद कभी जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में इसमें कुछ देख के मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। इन केस आप थोड़ा सा अगर बेहतरीन बनाना चाहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो फिर जो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो बहुत छोटा सा 35.8 दिखा रहा है सपोर्ट, तो आपको करीब 35.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड में जाना चाहते हैं तो फिर इस स्टॉप लॉस के संग आप जाइएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला स्टॉप लॉस नहीं है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। वॉल्यूम आज इसमें बहुत गजब ट्रेड हुई है, और RSI SH अभी न्यूट्रल है। तो जो डिस्कशन किया है दोस्तों उसको मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अबव 38 करिएगा। स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों, या तो आपके ऊपर है, या तो 33 रखिए या 35.5 रखिए, टारगेट्स हमारे वही रहेंगे 44। तो आप देख लीजिएगा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस में ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है। आइए अब यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं। तो यूनियन बैंक को कल थोड़ा सा अवार्ड मिला है ईटी की तरफ से, बेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर वुमेन 2021, जो कि एक अच्छी खबर है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो इन्होंने अपना रिसेंट में जो इनका बोर्ड था, उन्होंने कैपिटल रेजिंग प्लान को ठप्पा भी दिया था, और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज़ चल रही है वो है चली रही है PSU बैंक्स में। तो ये सब कंबाइन होकर यूनियन बैंक में भी आज अच्छी हमें बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे देखिए मिली है। तो इस स्टॉक में भी देखिए दोस्तों, अगर ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, तो यहाँ पर हो सकता है इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिले। तो इस स्टॉक को आप 36 रुपये के ऊपर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों मेरा जो सजेशन रहेगा वो 33 रुपये का रहेगा, और टारगेट जो मैं रखूँगा वो 42 रुपये रखूँगा। काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेरा 1:2 का इसमें ठीक अच्छे से मेंटेन चल रहा है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो रिसेंट में इसका लो रहा है उसके नीचे का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि करीब 33 रुपये के आसपास का रहेगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये एरिया पहले भी कई बार सपोर्ट की तरह इसके लिए बिहेव कर चुका है, तो 33 रुपये एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए।
बाकी दोस्तों आरएसआई देख लीजिए है, इसमें आरएसआई एस सच कोई इशू नहीं कर रही है। एक बार मैं इस स्टॉक में बॉलिंगर बैंड को भी लगा के देखना चाहूँगा कि वो क्या कहानी बता रहा है। तो दोस्तों बॉलिंगर बैंड देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बार रेजिस्टेंस है 37 का, तो थोड़ा सा इसको आप लेके केयरफुल रहिएगा, बॉलिंगर बैंड के ऊपर ध्यान रखिएगा अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कि रेजिस्टेंस के पास से ये रिवर्स तो नहीं दिखा रहा है। तो आप दोस्तों इसको बाई अबव 36 करिएगा, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 33 का और टारगेट हमारा रहेगा 42। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम बेहतरीन 1:2। आइए अब डिश टीवी को लेके देख लेते हैं। तो डिश टीवी में आज वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी रही है और जो ए ग्रुप में ये आज लीडर भी रहा है, इनके साथ साथ एलएमबैंक, पीटीसी इंडिया, इन सब के साथ। जवाहर गोयल ने कहा कि जो डिश टीवी के शेयर्स हैं, जवाहर गोयल के जो प्लस डिश टीवी के शेयर्स हैं वो जल्दी ही रिटर्न कर दिया जाएगा, ऐसे सुभाष चंद्रा जी ने कहा है जो कि हमारे जी टीवी के मालिक है। तो ये सारी कॉरपोरेट की न्यूज़ चलती ही रहती है काफ़ी साथ ही, लेकिन जो अच्छी चीज़ है अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो इसमें आज हमारा वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी जंप हुई और स्टॉक ने तो अपर सर्किट मारा ही था। ये देखिए करीब करीब आप यहाँ मान के चलिए यहाँ से ये स्टॉक 10 रुपये से आपका 12 रुपये के आसपास बंद हुआ, तो ऑलमोस्ट करीब इसने 20% जो कि अपर सर्किट था वो देखने को आज इसमें हमें इस स्टॉक में मिला है और RSI भी ओवरसोल्ड के पास जस्ट पहुँची है। तो इस स्टॉक में दोस्तों पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, मेरा मानना है आप ज़रूर बना सकते हैं क्योंकि इस टाइप के जब मोमेंटम मिलता है तो उसको चेस करने में कोई नुकसान नहीं है, बट क्योंकि इतना ही मोमेंटम रिवर्स भी बहुत जल्दी से करता है दोस्तों, तो छोटा सा स्टॉप लॉस का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 10.5 रुपये के स्टॉप लॉस के संग आप पोजीशन बनाइए, तो आप ये मान के चलिए 11.5 रुपये का स्टॉक है, आप 10.5 के संग पोजीशन बनाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट 8 से 9% का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट दोस्तों हम जो लेके चलेंगे सिंपल 15 रुपये का। तो इन तीनों स्टॉक्स में दोस्तों सारे अगर मैं पहलुओं को कंसीडर करूं, वॉल्यूम भी आज इसमें बहुत ही बेहतरीन आई है, तो डिश टीवी में इन्वेस्टमेंट मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। हालांकि काफ़ी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इस स्टॉक को बाई एट CMP कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 10.5 का लगाइए और टारगेट लेके चलिए 14 रुपये का। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।